नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव मल्होत्रा एंड वेलकम टू द एस्ट्रो जंक्शन। आज मैं आपको एक बहुत ही खास गेस्ट से मिलवाने जा रहा हूँ जिनका नाम है मिस सीमा शर्मा। ये एक बहुत ही रिनोन्ड वास्तु एक्सपर्ट हैं, तो आइए उन्हीं के वर्ड्स में जानते हैं कि वो कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब उन्हीं के वर्ड्स में जानते हैं। तो नमस्ते सीमा जी। नमस्कार गौरव जी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि गौरव जी ने मेरा परिचय कराया, मेरा नाम सीमा शर्मा है और मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ। गत 20 वर्षों से मैं एजुकेशन सेक्टर में एज ए एजुकेशनिस्ट कार्य कर रही हूँ और साथ ही मैंने काफ़ी प्राइमरी, मिडिल क्लासेस, सीनियर क्लासेस और कॉलेजेस में भी मैंने अध्ययन करवाया है, पढ़ाई करवाई है। मैं बीएड कॉलेजेस में कार्यरत थी। मेरी क्वालिफिकेशन बीए, बीएड, एमए इन हिंदी, एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए इन हिस्ट्री है। जैसा कि मेरा रुझान हमेशा से ही रिसर्च की तरफ ज़्यादा रहा है, तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए करने के बाद रिसर्च की तरफ एमफिल किया, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही है। तो उसके थ्रू मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में जाना चाहती थी और पर मैंने अपना एजुकेशन सेक्टर में पूरा कार्य वहाँ पर पूरा अपना क्रियाकलाप पूरा किया है। तो वास्तु में आपका रुझान किस तरीके से बना, मतलब आप इतना अच्छा आपने काम किया, आपकी इतनी ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन है, तो ये वास्तु के फील्ड में आप किस तरीके से आपका इंटरेस्ट बना? हाँ, ये गौरव जी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आप एजुकेशन सेक्टर से वास्तु की तरफ से किस तरीके से जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ घटित होना शुरू हुई थी, इन माई हाउस ऑल्सो, इन माई फ्रेंड्स हाउस ऑल्सो, कि कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसका मुझे लगा कि कुछ ना कुछ रिलेशन टू द आपके भवन है जिसमें कि आप रहते हैं, क्योंकि भवन में आप अगर रह रहे हैं तो कुछ परिस्थितियां ऐसी और परेशानियां जिनको कहें या समस्याएं हम जिनको कहें वैसी उत्पन्न हो रही थी, जो कि मेरे व्यवहार में नहीं थी और सामने मेरे मित्रों के व्यवहार में नहीं थी। जब मैंने थोड़ा सा वास्तु के बारे में, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस बारे में कि आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप और इसमें आगे जाइए, तो मैंने जब कोरिलेट किया समस्याओं को परिस्थितियों के साथ या भवन के साथ में, तो मुझे काफ़ी कुछ उसमें नॉलेज प्राप्त हुई, कुछ ज्ञान मिला मुझे ऐसा, जिससे कि मैं वास्तु की तरफ अग्रसर हुई। और जैसे जैसे मेरा इसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता गया, मैं उसमें और डेप्थ मैंने नॉलेज गेन की। इसके अलावा मैंने बुक्स रीडिंग की, कुछ रिसर्च भी मैंने उसमें करी है। जैसा कि गौरव जी, मेरा हमेशा से ही रिसर्च का माइंड फ्रेम रहा है। मैंने एमफिल में भी जो रिसर्च की है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की रिसर्च की थी कि किस तरीके से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से जब वास्तु में मेरा इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने वास्तु में भी काफ़ी रिसर्च की है और काफ़ी पुराने पुराने ग्रंथ मैंने उसमें पढ़े हैं, उनके थ्रू मैंने कुछ ऐसी बातें निकाली हैं जिनका प्रयोग करके मैंने बहुत से लोगों की समस्याओं का समाधान किया है और आज भी कर रही हूँ। जो भी मुझे अप्रोच करता है, उनकी बहुत डेली यूज़ की काफ़ी ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि उन्हें पता भी नहीं होता है कि क्यों हो रही है और किस प्रकार से उनका समाधान किया जा सकता है। वहाँ मैंने अपनी रिसर्च का प्रयोग किया है और काफ़ी अच्छे से रिजल्ट प्राप्त किए हैं। थैंक यू सीमा जी, काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिली मुझे इस आपके आंसर से। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है कि कई लोग मेरे से पूछते हैं या कई लोगों को मैंने आपस में भी डिस्कस करते हुए देखा है कि वास्तु सिर्फ करियर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम ही सॉल्व कर सकता है, तो एक्चुअल में आप क्या हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि वास्तु एग्जैक्टली किन चीज़ों को सॉल्व कर सकता है या वो लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कर सकता है? ये थोड़ा सा इस चीज़ पर थोड़ा प्रकाश डालिए। गौरव जी, जैसा कि मैंने पहले ही भी बताया था कि वास्तु जो है बहुत ही प्राचीन विज्ञान है, विज्ञान लाइक सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग। तो जब हम देखते हैं कि कोई, आप जब भवन में रहते हैं, जिस स्पेस में आप रहते हैं, वो स्पेस आपके करियर को, आपकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। आप जिस स्पेस में काम कर रहे हैं या आप उस पर लगातार रह रहे हैं, तो आप उससे, आपकी मनोस्थिति उससे मैच हो जाती है और वो आपको इन्फ्लुएंस करने लगता है।
तो जो इस तरीके से हम अगर देखें तो हम विद द हेल्प ऑफ आपके घर के वास्तु को सुधार करके आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं या बच्चों की पढ़ाई की प्रॉब्लम्स हैं, कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों की प्रॉब्लम है, एनजाइटी और स्ट्रेस जो कि अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों में, वो भी हम उसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम वास्तु के थ्रू आपका समस्याओं का निदान हम कर सकते हैं या उसके रेमेडी हम आपको बता सकते हैं। और बट उससे पहले घर की हमें पोजीशन या मैप वगैरह देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को आप कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक, हम लाइफ की सारी प्रॉब्लम को वास्तु के थ्रू ठीक कर सकते हैं। ये मेरा अब तक का जो जर्नी रहा है वास्तु के क्षेत्र में, मैंने ये किया है। तो सीमा जी, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि वास्तु क्या जनरली सिर्फ घर से रिलेटेड होता है, मतलब हम सिर्फ इसको घर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या और कहीं भी, जैसे वर्क प्लेस है या कोई और जगह वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए या उससे भी कोई फ़ायदे होते हैं, तो इस बात पे थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों। हाँ गौरव जी बिल्कुल, ये वास्तु जो इफ़ेक्ट पड़ते हैं, जो भी प्रभाव पड़ते हैं मानव जीवन में, वो नॉट ओनली घर, आपका घर तो है ही, घर में क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना व्यतीत करते हैं, इसके अलावा आपकी वर्क प्लेस, आपका ऑफिस है, आपके रेस्टोरेंट हैं या कोई और जगह जहाँ पर कि आप अपना समय व्यतीत करते हैं, अपना कार्य करते हैं, वहाँ की एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो वास्तु के थ्रू हम लोग उस वहाँ की प्रॉब्लम्स को भी वहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू सीमा जी, आप बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज हमारे व्यूअर्स को दे रही हैं। मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा है जो मैं काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्ट करता रहता हूँ रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, तो बहुत सारे लोगों से डिस्कशन होती है, उसी डिस्कशन से ये भी निकल के आता है कि लोग जनरली ये मानते हैं कि वास्तु एक्सपर्ट हमारे घर में अगर कोई एनालिसिस करने आएंगे वो सारा घर तोड़ देंगे, ये रूम वहाँ से वहाँ शिफ्ट करवा देंगे। तो क्या रियल में वास्तु जो है वो कोई डिमोलिशन साइंस है जो तोड़फोड़ करके ही आपको सॉल्यूशंस बताती है, या बिना तोड़े फोड़े भी आप सॉल्यूशंस लोगों को दे सकते हैं, मतलब क्या होता है बेसिकली, ये जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स। बिल्कुल ठीक गौरव जी, लोगों में ये भ्रांति फैली हुई है अभी भी कि वास्तुशास्त्री की यदि कंसल्टेशन ली गई तो वो उनके घर में काफ़ी कुछ तोड़फोड़ करवाएगा या कुछ चेंजेस ऐसे करवाएगा जो कि वो नहीं करना चाहते अपने घर में। बट इन माई रिसर्च, मैंने बहुत इसमें काफ़ी रिसर्च की है कि बिना तोड़ फोड़ के भी हम अपने रहने के स्पेस को ऐसा बना सकते हैं जिसमें कि हम जॉयफुल लिविंग हमारी उसमें रह सकती है या हम उसमें गेन कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, आज वास्तु में इतनी हम रिसर्च कर चुके हैं कि हमें तोड़ फोड़ की कोई भी आवश्यकता नहीं है और बहुत ही कम से कम खर्चे में बिना तोड़ फोड़ के लोगों की समस्याओं का समाधान हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जो मैं करके भी अनुभव प्राप्त मैंने किया है वो मैं उसमें अप्लाई करती हूँ। ये तो आई थिंक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारे व्यूअर्स के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों को प्रॉम्प्ट करेगी कि वो भी वास्तु कंसल्टेंसी लें, उनके घर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी एक्चुअल में एटलीस्ट एनालाइज तो करवाएं कि उनके घर में किस तरीके की एनर्जी फ्लो कर रही है। एटलीस्ट उन्हें एक बार अपनी समस्याओं को देख करके, समझ करके, कंसल्टेशन लेकर के देखना चाहिए कि आप उनकी प्रॉब्लम वहाँ से सॉल्व हो जाती है और नहीं होती तो उसके और भी आगे काफ़ी एडवांस चीज़ें होती हैं करने के लिए। तो मैं तो कहूँगी कि एक बार इसे भी प्रयोग करके देखना चाहिए। ज़रूर। तो सीमा जी, अब मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि अब मुझे तो, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ आपकी बातें सुन के, मुझे लग रहा है कि मैं भी आपसे वास्तु कंसल्टेंसी लूँ। तो मान लीजिए जैसे मुझे अपने घर का वास्तु एनालाइज करवाना है तो मैं आपके पास आना चाहता हूँ, तो मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो मुझे आपके पास लेकर आनी है, मतलब क्या चाहिए होगा आपको मेरे से अगर आप मेरे घर का वास्तु एनालाइज करना चाहते हैं, मेरे ऑफिस का करना चाहते हैं, तो क्या चाहिए होगा आप? बिल्कुल ठीक गौरव जी, आप यदि कोई भी वास्तु कंसल्टेशन मुझसे लेना चाहता है या किसी भी तरीके से, तो सबसे पहले जो वहाँ किसी भी या वो वर्क प्लेस हो या अपने घर में हो, उसका मुझे उनका फ्लोर प्लान चाहिएगा। फ्लोर प्लान पे यदि नहीं भी है तो कोई बात नहीं, वो हम बाद में बनवा भी सकते हैं, उसमें हम हेल्प भी कर सकते हैं। और इसके अलावा उनकी समस्या क्या है, इसके बारे में उसे क्लियर होना चाहिए कि समस्या जो होगी उसी के अकॉर्डिंग उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाए। मान लीजिए करियर की प्रॉब्लम आ रही है या मैरिटल प्रॉब्लम आ रही है, जी, इस तरीके की। हाँ, तो डेफिनेटली उसके लिए हमें सबसे पहले फ्लोर प्लान चाहिए, फ्लोर प्लान के अकॉर्डिंग ही हम उन्हें समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। और
फिर उसके बाद आगे भी एडवांस चीज़ें भी होती हैं जो कि उनको बताई जा सकती हैं। ठीक है सीमा जी, आज आपने बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी। आई एम श्योर थैंक यू सो मच, हमारे व्यूअर्स को ये बहुत ही अच्छी नॉलेज आपके थ्रू मिली है, उनको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्योंकि आपने हमारी एस्ट्रोजेंशन की टीम को ज्वाइन कर लिया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ बहुत ही अच्छे नॉलेजेबल वास्तु के ऊपर कुछ वीडियोस और आर्टिकल ज़रूर बनाइए, क्योंकि हमारा एक ब्लॉग भी है theastrojunction.com के नाम से और हमारा यूट्यूब चैनल भी है। तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ अच्छे आर्टिकल्स और वीडियोज़ आप बनाइए, क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा ही है बहुत सारे सो कॉल्ड वास्तु एक्सपर्ट्स बन चुके हैं, जिन जो विदाउट एनी रिसर्च या नॉलेज कुछ भी अधपका ज्ञान लोगों के अंदर फैला रहे हैं। तो आई होप आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े एक साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करके हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि वास्तु क्या होता है, कैसे वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ छोटे छोटे टिप्स भी आप बताएंगे अपने वीडियोस के थ्रू। तो मेरी आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है हमारे व्यूअर्स के थ्रू। जी बिल्कुल, तो गौरव जी मैं बिल्कुल इसमें अपना आपका सहयोग करूँगी, लोगों की समस्याओं का समाधान करने में मेरा पूरा योगदान रहेगा। थैंक यू सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।